विधि तुम भी मुंह मीठा करो, पूरा खा लो। बस तुम्हें पता है थोड़े दिन के बाद तुम्हारी दीदी कैसे चलेंगी? मैं करके बताऊं, ये तुम्हारी दीदी। मैं ये खबर माँ को भी सुनाकर आता हूं। माँ करा दे इस गुड़िया की शादी इस गुड्डे से। नहीं नहीं नहीं, ये वाली गुड़िया नहीं, ये वाली गुड़िया रहेगी। अरे पर इस गुड्डे के साथ ये वाली गुड़िया है ना? तो क्या हुआ, अब ये वाली गुड़िया रहेगी। पर हम इस गुड्डे की शादी इस गुड़िया से करा चुके हैं ना? तो क्या हुआ, मतलब अब हमें समझ में आ गया है ना कि ये वाली गुड़िया ज्यादा अच्छी है। हुँ? तो हम इस गुड़िया की शादी इस गुड्डे से कराएंगे। मैं अभी आई। क्या हुआ, क्यों फोन किया, थारे को किसने कहा? हाँ मैं हूं पेट से, थारे को क्या? बकवास तो तू कर कोनी, थारा मारा कोई रिश्ता कोनी, थारे मुंह में कीड़े पड़े, थारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बात बोलने की? नहीं तू यहां बिल्कुल नहीं भटकेगा, मैं आ रही हूं थारे पास। विधि जी आप यहाँ खेलो, मैं अभी जरूरी काम निपटा कर आती हूँ। लगता है कोमल कली किसी परेशानी में है। मैं आ गई हूँ यहाँ रघु। बाप सो बाप, गर्मणी दाने और कोमल कली चली लुटाने। अरे पहले वेद अब ये विधि, जिसकी खातिर तू अपनी कोख में बच्चा पाल रही है। अरे अक्कल है कौन नहीं, ये सारे के सारे थारा फायदा उठाने के चक्कर में है। सर कितनी बार बोली कि हारे जैसी को कोई अपने घर की बहू नहीं बनाएगा, और जैसे ही तू ये बच्चा पैदा करके दे देगी ना, थाने दूध से मक्खी की जैसी ऐसे निकाल के फेंक दी। मैं खुद उस घर से चली जाऊंगी। मारा फर्ज बस इतना है कि वेद जी और विधि जी का बच्चा पैदा करके मैं उन्हें सौंप दूं। उसके बाद उनकी जिंदगी में मारा कोई काम कोनी। क्यों अपना भविष्य खराब कर रही है? एक बार तू मां बन गई ना तो यहाँ वहां से मुटिया आ जाएगी, फिर नचावन खाती कोई बुलावे कौन नहीं। शर्म आनी चाहिए थारे को, अपनी बेटी को एक नचनिया बनाया, उसके बाद उसे बेचने की कोशिश की। अब जब एक परिवार मारे को इज्जत दे रहा है तो तू यहां फिर आ गया मारे दिमाग में उनके खिलाफ जहर भरने। एक बात कान खोल के सुन ले, मारे मामले में दखलंदाजी की तो मारे से बुरा कोई होगा कोनी। दोबारा मारे को फोन किया तो ऐसे जेल भिजवा दूंगी। भूल जाऊंगी कि 17 साल तूने मारे को पाला था। अरे सुन, तुझे जो करना ना कर लियो, पर कम से कम ये तो बता दे इस काम के लिए तूने ढेर सारे पैसे तो लिए ना उनसे। एक फूटी कौड़ी ना लूंगी उनसे, ये काम मैं पैसे के लिए नहीं कर रही। ये बात थारे जैसे इंसान को तो समझ आवेगी कौड़ी। अरे रुक जा रुक जा, क्या बात कर रही है? अरे अपने लिए ना सही, मारे लिए मांग लियो। हारी बात में बिल्कुल भी ना सुनूं। तो फिर ये देख, ये घोंप दूंगा तुम्हारे पेट में। और कोठारी खानदान का बच्चा ना यही खत्म कर दूंगा। कर तू ना? नहीं। कर तू ना फिर? दूर रह मुझसे,
नहीं मांगेगी तुम? चुपचाप इतना बता दे तू पैसे उनसे मांगेगी कि नहीं मांगेगी? पीछे हट रघु। पैसा मांगेगी कि नहीं? पैसा मांगेगी कि नहीं? नहीं। तुझे हमारी बातें पूरी गमकी लग रही है तो इसके लिए तो फिर थोड़ा सा तो चीरा देना पड़ेगा पेट पे है? ला दे दे। बेटी जी। दीदी। दीदी। कुछ मदद चाहिए रघु? कौन है तू और मेरा नाम कैसे जाने? नाम क्या, मैं तो तेरी पूरी कुंडली जानती हूँ। तू है कौन? दोस्त? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, सुना नहीं है तुमने? तू मारे कौन से दुश्मन के दुश्मन है जो मारे से दोस्ती कर रही है? वो दोनों जो अभी अभी तुम्हें घायल करके गई है, उसमें से एक तो तुम्हारी बेटी कोमल कली थी और दूसरी मेरी बहन विधि। उन दोनों ने मिलकर मेरी बर्बादी की कहानी लिखी है, अब मुझे उन दोनों की बर्बादी चाहिए। तुम्हें भी तो अपनी बेटी बिना बच्चे के वापस चाहिए ना? मैं उस काम में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अच्छा तो तू पकड़ेगी रघुनाथ का हाथ और देगी मारा साथ, मदद कैसे करेगी तुम्हारी? आंखों के सामने खून लगा था इसलिए शायद नहीं दिख रहा था, पोछ दिया है, अब शायद दिख जाए। दिख रहा बहुत सुथरा सुथरा दिख रहा, पर देखना क्या है? विधि का बच्चा कोमल कली की कोख से गिरा दे तो वो लोग उसे अपने आप घर से निकाल देंगे। तुम्हें जो चाहिए तुम्हें मिल जाएगा, मुझे जो चाहिए मुझे मिल जाएगा। भाई वाह, आप तो बड़ी घाव हो। मैंने सुना था औरत औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, आज देख भी लिया, विधि की बहन उसकी सबसे बड़ी दुश्मन। अरे मैं तो कहता था बाप सु बाप, तू तो अम्मा निकली सबकी। तूने भी तो अपनी बेटी को बेचा था ना? अरे शुक्रिया करना चाहिए तुझे मेरा, वरना वो दोनों तेरी हालत जो करके गई है ना, मुझे नहीं लगता तुझसे कुछ हो सकता है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। इस बच्चे से छुटकारा पाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है, पर इस आइडिया की गाड़ी का ड्राइवर तुम्हें बनना होगा। बोलो कर पाओगे ये काम? फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।